नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों। और आपको पता है एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है, गजब की भर्ती आने वाली है, तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से जब कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से जब कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो चलो चलते हैं अपन सीधे अपनी मंजिल की ओर। हालांकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, ठीक है, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो एक एक दिन करके हम लगातार लगे रहेंगे, और कैसे भी करके इस एसएससी जीडी के एग्जाम में फतेह करना मेरे दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। आज का जो पहला सवाल है वो देखो मेरे दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है, मतलब बताना है आपको कि इनमें से अशुद्ध विपरीतार्थ शब्द कौन सा है, मतलब एक जोड़ा है जो गलत चल रहा है। पक्ष, पक्ष का विलोम शब्द प्रतिपक्ष, बिल्कुल सही है साहब, ठीक है, मतलब बीजेपी कांग्रेस हो गई है। तो आस्तिक और नास्तिक, जो ईश्वर में आस्था करे वो आस्तिक है, जो ईश्वर में आस्था नहीं करे वो नास्तिक है, ये भी सही है। स्वर्ग का नरक होता है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन सामिस, सामिस का शाकाहारी नहीं होता है, शाकाहारी किसका होता है, मांसाहारी का होता है, शाकाहारी होता है मांसाहारी का मेरे दोस्तों, इसलिए सामिस का शाकाहारी नहीं होगा, ठीक है, जो आमिष से युक्त है ना। सामिस का विलोम शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द होता है निरामिष, निरामिष, जो आमिष रहित है वो निरामिष कहलाता है, ये इसका विलोम शब्द होता, ये नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या बताया है भाई, पर्वत रत्न विशेष है ना, पथ पर्वत रत्न विशेष, और सूर्य सर्प वृक्ष, किस अनेकार्थी के अर्थ हैं, मतलब इनमें से कोई एक शब्द है अनेकार्थक है वह, और उसके उसके जो है ये अनेक अर्थ भी हैं। तो देखो नग, इनमें देखो गिरी है, नग है, भास्कर और सारंग है, इसमें जो नग शब्द है, नग पर्वत को भी कहते हैं, नग नगीने को भी कहते हैं, अपने अंगूठी का जो नगीना होता है उसको, नग सूर्य को भी कहते हैं, नग सांप को भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पांव तो होते नहीं है, और वृक्ष भी इधर उधर कहीं जा नहीं सकता, तो वृक्ष को भी कहते हैं, पर्वत भी कहीं जा सकता है। न गय का मतलब होता है नहीं, गय का मतलब गमन, जो गमन नहीं कर सकता वो क्या कहलाता है, नग कहलाता है, और दोनों को मिलाकर के नग शब्द का निर्माण किया गया है। तो उत्तर हो गया मेरे दोस्तों बी वाला, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या है देखो, अगला सवाल है मेरे दोस्तों कि शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, देखो शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, मतलब वाक्य वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया हुआ है, शुद्ध कौन सा नहीं है, जो जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं भाई, ठीक है, और आकाश में उड़ने वाला खै में गय, मतलब आकाश में उड़ने वाला खै का मतलब आकाश होता है, ये जो खै होता है ना इसका मतलब होता है भाई आकाश, और गय का मतलब होता है गमन करना या उड़ना, तो आकाश में उड़ने वाला बिल्कुल खग होता है, ये बात तो एकदम सही चल रही है। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, ये बात भी सही है। जो गिरा हुआ हो उसे कहते हैं पतित, पतित पावन सीताराम, पतित पावन, पतितों को करते हैं जो पावन, गिरों को जो पवित्र बना देते हैं वो राम जी हैं। तो यहाँ तो भाई गलत केवल अजय वाला आया है, क्योंकि यहाँ अजय लिखा हुआ था, अजय लिखा हुआ नहीं था, जो जीता न जा सके वो अजय कहलाता है मेरे दोस्तों। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बताया गया है भाई, ये देखो भाई अगला सवाल क्या है, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थ बोधक मुहावरा है, देखो क्या बताया है, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थ बोधक मुहावरा है, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, और अक्ल का पुतला, देखो क्या बताया, बुद्धिमान होने का गर्व, ठीक है, अर्थ बोधक मुहावरा कौन सा है, ठीक है, मतलब बुद्धिमान होने का हमें गर्व होता है उससे संबंधित, तो अक्ल का दुश्मन, ठीक है, तो अक्ल का दुश्मन कौन था, जो गलत गलत काम कर रहा है, जिसे पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बुद्धिमान होने का तो काम होता ही नहीं, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है,
अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बिना काम ही जो है ज्यादा ज्यादा विचार करते चले जा रहे हैं। तो अक्ल का पुतला उत्तर हो जाएगा, अक्ल का पुतला, बुद्धिमान होने का गर्व, ये हो जाएगा आपके अक्ल का पुतला, एकदम सही आंसर। अगला सवाल देखो क्या दिया है भाई, कब हूँ निरामिष हो न कागा। देखो शानदार शानदार लोकोक्ति आई है भाई, लोकोक्ति और कहावत एक ही बात होती है कि कभी भी जो कौवा है वह निरामिष नहीं हो सकता है। मतलब कौवा जो है गंदगी में मुंह डालेगा ही डालेगा, ठीक है, ये बात, वह निरामिष नहीं होगा, शाकाहारी की तरह नहीं होगा वह, उसे कोई मांस का टुकड़ा मिल जाएगा खा लेगा वह। तो दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, दुष्ट अपनी, देखो कौवा जो है वो निरामिष नहीं हो सकता और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो गया है, कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो गया भाई, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्तों। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। देखो यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है, ठीक है ना, तो यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बताया भाई, देखो शीत प्लस ऋतु, ठीक है, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु है ना, तो ये देखो ये शीत हो गया प्लस ये हो गया ऋतु। अब आप देखो तय तय में ए है, इधर री है, ए और री मिलता है तो क्या होता है, अर है ना, क्या हो जाएगा, अर, तो अर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ तो भाई गुण संधि हो गई है, कौन सी हो गई है, गुण संधि हो गई है। षडानन शट है जिसके आनन वह, शट प्लस आनन, और आनन का मतलब होता है मुख, छह जिनके मुंह हैं वो कौन है भाई, वो कार्तिकेय ही है, और टै का ड हो गया है, कह सकते हैं एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, पहले का तीसरा हो गया है, ठीक है, पहले का तीसरा हो गया है। और देखो अगली बात क्या हो गया, गुरु आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ये है गुरुजी महाराज और गुरुजी की आज्ञा क्या कहलाएगी, गुरु आज्ञा। अब देखो रू में ऊ है और इधर है आ, नियम होता है कि ऊ के बाद आ भिन्न स्वर हो तो ऊ का वह होता है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके गु, रमेश ऊ निकल गया, रह गया आधा, ये वह और इधर ये हो गया आज्ञा। अब देखो क्या बनेगा, ये गु है तो भाई ये गु हो गया है आपके, और वह आ मिलके हो गया आपके वा, अब र वैसे पहले है तो र वह के ऊपर चढ़ जाएगा, और ये गया, ये बन गया गुरुवाज्ञा, ऊ का वह हो गया उवा उवा, मतलब ऊ का वह हो गया और ऊ का वह हो गया, इसका मतलब संधि कौन सी हो गई है, यण संधि हो गई है। यण संधि में क्या होता है, यण संधि के अंदर भाई क्या होता है, यण संधि में ई का यह होता है, ई का यह होता है और ऊ का वह होता है, ऐसा होता है यण संधि में, ठीक है। तो बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, महोदारीय में महा प्लस औदार्य, देखो दो मात्रा दिख रही है, इसका मतलब वृद्धि संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य, औदार्य आर औ मिलके जो है अव ही हो गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपके सी गुरुवाज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा, गुरुवाज्ञा हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया भाई, अगला जो सवाल है मेरे दोस्तों वो है आपके बहुत ही शानदार सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है, तो देखो कौन सा वाला संधि विच्छेद सही नहीं बताना है, अभी प्लस सेक बिल्कुल सही है, ये भी राम प्लस अयन भी सही है, वी प्लस सम भी सही है, लेकिन निः प्लस चय होना चाहिए था, विसर्ग संधि है ये और शब्द बनता आपके निश्चय, निश्चय शब्द बनने वाला था, उत्तर आपका डी हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही है भाई, अभी और शेक जो है शब्द बनेगा अभिषेक, देखो ऐसे बनता है अभिषेक, और हमने क्या देखा सड़क की जगह षटकोण हो गया यहाँ पे, राम प्लस अयन रामायण, और रामायण को कौन नहीं जानता है भाई, प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ है, वी और सम विषम हो जाता है, यहाँ पर भी शय बदल गया भाई, देखो सड़क जो है वो षटकोण में परिवर्तित हो गया है, संधि के कारण हुआ ऐसा, तो उत्तर हो गया आपका निः प्लस चय निश्चय, क्योंकि यहाँ संधि विच्छेद सही नहीं था। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल गजब का सवाल आया फिर, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है, नीचे की तरफ क्या है भाई, नीचे की तरफ देखो, नीचे सो नीचे हीन और अभाव इन सबको दिखाने वाला उपसर्ग कौन सा, उपसर्ग एक शब्दांश है मेरे दोस्तों,
उपसर्ग होता है शब्दांश, वो शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगे, ठीक है। तो यहाँ उप का मतलब समीप होता है, प्रति का मतलब विपरीत होता है, अभी का मतलब श्रेष्ठ होता है, लेकिन अव का मतलब नीचे, हीन या अभाव होता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर एकदम सही हो जाएगा? बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो क्या सवाल है भाई, अगला सवाल जो है वो आया है आपके अगला सवाल आया है विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अब विदेशी उपसर्ग देखो, पुर जो है पुरस्कार, तो पुरस जो है अपने हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत में आता है, भर जो है अपने हिंदी का ही है, अधि कच्चा तो अधि भी जो है हिंदी का है, हर रोज, ये हर रोज जो है विदेशी भाषा का, उर्दू फारसी का, इसलिए डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेशी भाषा का उपसर्ग है हर रोज, हरदम। और इसी प्रकार से अगला सवाल, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो अग्नि का मतलब होता है आग, और आग को पावक भी कहते हैं, आग को किशानु कहते हैं, आग को जात वेद कहते हैं, आग को हुताशन कहते हैं, हुताशन कहते हैं, आग को वहनी कहते हैं, वहनी, ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची है, और अग्नि को आग भी कहते हैं, तो ये सब आग के पर्यायवाची है। लेकिन चमू, चमू का मतलब होता है भाई सेना, चमू, चमू का मतलब क्या होता है? सेना होता है, इसलिए उत्तर क्या हो गया आपका? बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखो दसवें के बाद में क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है ये देखना अपने को। तो देखो अंब, उदक, सलिल, ठीक है। इसी प्रकार से उदक, अब आपको पता होना चाहिए जल को कहते हैं भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, सलिल भी जल को कहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है, ठीक है। विषिक, येलो, ये भी नहीं है साहब, ठीक है। इक्सु, ईक को कहते हैं, ये भी नहीं है। अवनी, धरती को कहते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब नलिन, ताम्रस और शतदल, बिल्कुल डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। कमल को जो है नलिन भी कहते हैं, ताम्रस भी कहते हैं, और शतदल भी कहते हैं मेरे दोस्तों। चलो अगला सवाल क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 12, विषाद शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या है? मतलब विलोम शब्द देखना अपने को, विषाद, विषाद का विलोम शब्द क्या होता है? मधु, मीठा, वरदान, ठीक है, आह्लाद और स्तुति, बताओ इनमें से क्या होने वाला है? विषाद का विलोम शब्द क्या होना, विषाद, विषाद का मतलब होता है भाई दुख होना, दुख होना होता है, तो दुख का प्रसन्नता होता है, तो कौन सा हो जाएगा? देखो स्तुति का होता है निंदा, स्तुति का विलोम शब्द निंदा होता है, ठीक है। अब अपने को अर्थ बिठाना यहाँ पर, आह्लाद, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता, और हम जानते हैं विषाद का मतलब दुख होता है, और दुख का विलोम शब्द क्या होता है? प्रसन्नता होता है, इसका मतलब आह्लाद एकदम सही हो जाएगा, विषाद का विलोम शब्द सी हो जाएगा, आह्लाद, ठीक है। वरदान का विलोम शब्द अभिशाप होता है, क्या होता है? अभिशाप होता है मेरे दोस्तों, विलोम शब्द, ठीक है। और मधु, तो मधु का विलोम शब्द होता है कटु, जो कड़वा होता है वह, ठीक है। आह्लाद का मतलब प्रसन्नता होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा आपके विषाद, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे दोस्तों, कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है, मतलब जिसमें विलोम शब्द नहीं है? देखो सम्मुख का विमुख बिल्कुल सही है, गरिमा मतलब बड़ा होना, लगीमा छोटा होना, एकदम सही है। राग और विराग मतलब राग रहित, ये भी सही है। लेकिन संयोग का विलोम शब्द सुयोग नहीं होता, वियोग होता है भाई, वियोग होता है, इसका मतलब उत्तर आपके सी एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल है, चिर और चीर, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, चिर और चीर, चीर जो है वो वस्त्र को कहते हैं, चीर जो है चीर हरण, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, मतलब वस्त्र का हरण हुआ, और चिर का मतलब होता है लंबे समय तक, कौन सा समय? लंबा समय, लंबा टाइम तक जो होता है वो भाई साहब चिर होता है, तो यहाँ लंबे समय को बहुत समय तक है ना, तो बहुत समय तक जो है ये हो गया, और वस्त्र इधर वाला हो गया, इसका मतलब बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वस्त्र केवल और केवल इसी में आया है, दोनों में से एक का भी अगर आपको अर्थ आता तो भी उत्तर आपका एकदम सही हो जाता। मैं दोस्तों आपको जो है मिलान करना है, कितने सवाल आप सही कर रहे हैं, आपको ऐसे जिसे आप स्वयं ही टेस्ट दे रहे हो, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो अब क्या बताया भाई, निम्न में से किस विकल्प, इनमें से कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रातः काल और अधोपतन, अधोपतन नहीं होता है, अधः पतन होता है, अधः पतन होता है, इसका मतलब यहाँ तो मिस्टेक आ गई है। मूर्ति, मूर्ति में भाई बड़े जो है मूर्ति में छोटी की मात्रा आती है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी मिस्टेक चल रही है। विदुषी और श्रीमती और वाल्मीकि और इकाई,
तो देखो वाल्मीकि, ठीक है, तो वाल्मीकि वाल्मीकि होता है, ठीक है, और इकाई जो है इकाई, ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो है वाल्मीकि भी गलत लिखा हुआ है। और यहां श्रीमती में देखो विदुषी तो सही है, श्रीमती में बड़ी की मात्रा आती है, मति अकेली छोटी होती है भाई, मति अकेली छोटी होती है, जब श्रीमती होती है तो बड़ी हो जाती है। फिलहाल इसके अंदर चारों में ही जो है मिस्टेक चल रही है, क्योंकि चारों में ही कहीं ना कहीं कमी चल रही है भाई, ठीक है। और उत्तर भी एक हो सकता था, लेकिन जो प्रिंट करने वाला है उसने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, इसलिए थोड़ी सी, अगर दोनों उसने बराबर सही किए नहीं है इसलिए थोड़ी सी कमी है, तो फिलहाल चारों ही गलत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कह सकते हैं उपर्युक्त में से कोई भी नहीं आंसर इसका होने वाला है भाई, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो हिंदी है और त्रुटि संभव है, छापने वाले जो है वो इतने विद्वान नहीं होते हैं, इसलिए बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर, बड़े बड़े पेपर्स में भी जहाँ तीन तीन चार चार बार देखा जाता है वहाँ भी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए अन्यथा नहीं लें। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया भाई, अगला सवाल जो है मेरे दोस्तों वो बताया अशुद्ध वाक्य है, इनमें से गलत वाक्य कौन सा चल रहा है ये देखना है अपने को, अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखना है अपने को। तो देखो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका, अशुद्ध वाक्य देखना है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है एकदम सही चल रहा है ये तो, ठीक है। हाथी पर होदा रख दो, हाथी के ऊपर होदा ही रखा जाता है ये भी सही है, घोड़े पर काठी रखी जाती है और हाथी पर होदा रखा जाता है, कुख्यात आतंकवादी, आतंकवादी कुख्यात ही होता है, मारा गया ये भी सही है, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। जया एक बुद्धिमती बालिका, बुद्धिमान नहीं होती है, क्या होती है भाई, बालिका जो होती है वो बुद्धिमती होती है भाई, बुद्धिमती होती है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो उत्तर बुद्धिमती होने वाला है। चलो अगला सवाल क्या होने वाला है, देखो 17वां सवाल है, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, कोई वस्तु है उसे प्राप्त करने की गजब की इच्छा, गजब की इच्छा, उत्कृष्ट लालसा और गजब की इच्छा, इसको दर्शाने वाला मुहावरा क्या है, आंखों में गड़ना, आंखें चार होना मतलब प्रेम मोहब्बत हो जाना किसी से आमना सामना, आंखों में खून उतरना मतलब गुस्सा आना, आंखें खुलना मतलब किसी बात का ज्ञान हो जाना, इसका मतलब किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा कहलाएगी। ए आंखों में गड़ना, कोई चीज है जो बार बार आंखों में गड़ती है, मतलब ऐसी इच्छा होती है कि ऐसी चीज तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी, कोस कोस पर क्या बदलता है भाई, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर पानी बदल जाता है, और जब चार कोस आए तो फिर उस पर तो वाणी बदल जाती है। अब वाणी की बात अपन यहाँ करेंगे नहीं, चार कोस पर मतलब भाषा का क्षेत्र विशद होता है, व्यापक होता है, यहाँ वाणी से तात्पर्य क्या है, या वाणी से तात्पर्य लेना पड़ेगा, तो वाणी से तात्पर्य ध्वनि, भाषा, बोली या लिपि, तो उत्तर आ जाएगा आपके बोली, ठीक है, मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की बोलियां हो जाया करती है। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो देखो दोस्तों यदि आप वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर पढ़ना करना सब कुछ पसंद आ रहा है तो हमारे यहाँ ऑनलाइन बेच भी प्रारंभ है, यदि आप चाहें तो यहाँ पर सेवाएं ले सकते हैं, आकर के पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार, साथ में आपके फिजिकल वगैरह सब चीज़ों की तैयारी करवाएगी, डेली टेस्ट वगैरह का सिस्टम है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, तत्सम तद्भव, और अगला सवाल जो है वो दिया है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा है, इक्षु को ईख कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, अज्ञानी को अनजाना कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, एला को इलायची कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन दधी को दूध नहीं कहते हैं, दूध को कहते हैं दुग्ध, दूध को दुग्ध कहते हैं, और दधी को मेरे दोस्तों दही कहा जाता है, इसका मतलब यहाँ डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या बताया गया है, अगला जो सवाल है उसका जवाब देखो मेरे दोस्तों क्या बताया है, उसने लड़ाई की है, उसने क्या की है, उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल भेद बताने हैं, काल के भेद कौन से हैं, ठीक है। तो देखो उसने लड़ाई, अगर केवल ये इतना ही होता उसने लड़ाई की होता तब इसका उत्तर क्या होता, तब इसका उत्तर जो है भाई मेरे दोस्तों भूतकाल हो जाता, ऐसी स्थिति में ये सामान्य भूतकाल हो जाता, लेकिन अब जब अपन ये पढ़ते हैं उसने लड़ाई की है, अब देखो भूतकाल के साथ वर्तमान काल भी आ गया है, और भूतकाल वर्तमान काल दोनों पास पास हो तो आसन्न भूतकाल कहलाता है, इसलिए उसका उत्तर बी हो जाएगा,
आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, रहा है, रही है, मतलब कार्य रनिंग में होता है। हम कहें कि वह लड़ाई कर रहा है, वह लड़ाई कर रहा था, क्योंकि भूतकाल है ना, वह लड़ाई कर रहा था। अगर मैं ऐसे कहूं कि वह लड़ाई कर रहा था, इसका मतलब अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल, वह लड़ाई करता है, वह लड़ाई करता है। अगर मैं ऐसा कहूं वह लड़ाई करता है, करता है, अगर ऐसा कहता हूं मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब समझिए सामान्य वर्तमान, ठीक है। और सामान्य भूतकाल, उसने लड़ाई की। लेकिन आसन्न भूतकाल में भूतकाल और वर्तमान काल दोनों एक साथ आते हैं। देखो दोनों क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, भूतकाल और वर्तमान काल। की कह रहा है कि भूतकाल है, और है कह रहा है वर्तमान काल है। तो जो भूतकाल के नजदीक है वर्तमान के कारण, वो आसन। आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब ही नजदीक होता है मेरे दोस्तों, नजदीक होता है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं मेरे दोस्तों। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और आपकी अदर क्लासेस वगैरह भी चालू की जाने वाली है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने कह दिया कि यदि आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना मेरे दोस्तों। और ऑफलाइन बैच चालू है, यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।